नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी टीके में। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आने वाले सी टेट एग्जाम 2020 के लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों ये प्रश्न आप PDF के रूप में चाहते हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर के एंड्रॉइड एप्लीकेशन टेट सक्सेस को डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर ये क्वेश्चन आपको PDF के रूप में उपलब्ध हो जाएंगे। और आप ऑडियो लेसन सुनना पसंद करते हैं तो आप प्ले स्टोर पर जाकर के खबरी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और उस ऐप के माध्यम से आप विभिन्न प्रकार के ऑडियो लेसन प्राप्त कर सकते हैं। और जब ऐसी स्थिति होती है कि जब आप वीडियो नहीं देख सकते उस स्थिति में ऑडियो लेसन आपके लिए बहुत ही बेहतर विकल्प होता है, तो वहाँ पर भी जाकर के आप हमें फॉलो कर सकते हैं। यदि 20 बिंदु को एक सीधी या वक्र रेखा के साथ साथ रखा जाता है और हम उनके बीच के अंतर को अनदेखा कर एक साथ देखते हैं तो यह गेस्टाल्ट के अवधारणात्मक संगठन के किस सिद्धांत का अनुसरण करता है? फर्स्ट ऑप्शन है हमारा निरंतरता का नियम, सेकंड है निकटता का नियम, थर्ड है संवरण का नियम या फोर्थ है सादृश्यता का नियम। तो यहाँ पर हमारा जो उत्तर बनेगा वो बनेगा निरंतरता का नियम, ऑप्शन फर्स्ट जो होगा ये हमारा उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है शिक्षकों को छात्रों के विविध समूह की आवश्यकताओं को की आवश्यकता है। देखिए यहाँ पर प्रश्न थोड़ा सा बोल रहा है आवश्यकताओं को, समूह की आवश्यकताओं को की आवश्यकता है। ध्यान रखने, योजना बनाने, हैंडल करने या फिर समझौता करने, तो यहाँ पर उत्तर बनेगा ऑप्शन सेकंड योजना बनाने, क्योंकि छात्रों के विविध समूह की आवश्यकताओं को समूह को योजना बनाने की आवश्यकता है। ऑप्शन सेकंड होगा हमारा उत्तर। अगला क्वेश्चन है जीन पियाजे के अनुसार वह प्रक्रिया जिसमें नई जानकारी के प्रकाश में हमारे मौजूदा स्कीमा को बदलना शामिल है के रूप में जाना जाता है, साम्य, आत्मसात्करण या संगठन, फोर्थ है आवास। तो वह उत्तर होगा हमारा ऑप्शन फोर्थ जो होगा आवास। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन बच्चों को एक समाज में रहने के लिए सीखने में सबसे महत्वपूर्ण है? देखिए समाज में रहने के लिए सीखने में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या होगी? समाजीकरण बच्चों का। तो यहाँ पर चार विकल्प इस प्रकार है, व्यक्तिगत कार्यों पर काम करना, सेकेंड है सहयोग से काम करना और थर्ड है पुरस्कार के लिए काम करना, फोर्थ है एकांत में काम करना। तो समाजीकरण के लिए बिल्कुल सहयोग से काम करना ये सबसे महत्वपूर्ण होता है, ऑप्शन सेकेंड होगा हमारा उत्तर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे को विद्यालय में असफलता दूर करने में मदद कर सकता है? फर्स्ट है उन्हें अगले मूल्यांकन पर ध्यान केंद्रित करने को कहना, सीखने क्षमता से अधिक प्रयासों पर जोर देने के लिए उन्हें प्रेरित करना और प्रोत्साहित करना, थर्ड है उन्हें अवकाश के लिए कुछ खाली समय देना, फोर्थ है उनके अनुभाग या कक्षा को बदलना। तो देखिए यहाँ बच्चे को विद्यालय में असफलता दूर करने में मदद जो कर सकता है वो होगा क्षमता से अधिक प्रयासों पर जोर देने के लिए उन्हें प्रेरित करना और प्रोत्साहित करना, ऑप्शन सेकेंड। अगला क्वेश्चन है छात्रों में रचनात्मकता विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कदम उठाया जाना चाहिए? शिक्षक को प्रतिक्रिया देने के लिए स्वतंत्रता देनी चाहिए, सेकंड है शिक्षक को रचनात्मकता के महत्व पर व्याख्या देनी चाहिए और प्रश्न को पूछने पर, थर्ड है बच्चों के लिए अवसर देना चाहिए और फोर्थ है शिक्षक को भी स्वयं रचनात्मक होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा उत्तर बनेगा शिक्षक को प्रतिक्रिया देने के लिए स्वतंत्रता बच्चों को देना चाहिए, ऑप्शन फर्स्ट बनेगा उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की अंतिम अवस्था कौन सी है? औपचारिक संक्रिया अवस्था, सेकेंड है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, थर्ड है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, फोर्थ है संवेदी पेशी अवस्था। तो यहाँ पर हमारा उत्तर होगा औपचारिक संक्रिया अवस्था, ऑप्शन फर्स्ट। चलिए अगला क्वेश्चन है शरीर के विभिन्न हिस्सों में होता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन जो है शरीर के विभिन्न हिस्सों में जो विकास होता है उसके ऊपर है। फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर छिटपुट विकास या कहीं कहीं विकास होता है या समान विकास होता है या विकास के विभिन्न दर या फोर्थ है कोई विकास नहीं। तो शरीर के विभिन्न हिस्सों में जो विकास होता है वो विकास के विभिन्न दर के अनुसार होता है, ऑप्शन थर्ड होगा यहाँ पर उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन है कई ऊतक एक प्रणाली को जन्म देने के लिए समन्वय करते हैं और इसे रिक्त स्थान के रूप में जाना जाता है, निरंतरता, एकीकरण, विशेषता या विभेदन। तो यहाँ पर इसे हम जान सकते हैं एकीकरण के रूप में, क्योंकि कई ऊतक जो है एक प्रणाली को जन्म देते हैं। तो ऊतक जो है वो मिलकर के अंग का निर्माण करते हैं और सभी ऊतक एक समन्वय के रूप में होते हैं, तो ये निश्चित यहाँ पर एकीकरण के रूप में जाना जाएगा, ऑप्शन सेकेंड होगा यहाँ पर उत्तर। अगला है कौन सा सिद्धांत अराजकता, नेटवर्क और जटिलता
एवं आत्म संगठन सिद्धांतों के द्वारा खोजे गए सिद्धांतों को एकीकृत करता है। संज्ञानात्मक संयोजनवाद, थर्ड व्यवहारवाद और फोर्थ है मानवतावाद। तो यहाँ पर ये एकीकृत करता है संयोजनवाद, ऑप्शन सेकेंड। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन समावेशी शिक्षा में एक शिक्षण कौशल नहीं है, निर्णात्मक, उपलब्धि, योगात्मक या प्रदर्शन। तो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट जो है निर्णात्मक, ये समावेशी शिक्षा में एक शिक्षण कौशल नहीं है, ऑप्शन फर्स्ट होगा हमारा उत्तर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के पालन पोषण से बच्चे के विकास में लाभ होने की संभावना सबसे कम है, अनुमोदक, असंबद्ध या थर्ड सत्तावादी, फोर्थ अधिकारी। तो यहाँ पर ऑप्शन सेकंड जो होगा असंबद्ध, जो कि भावनात्मक रूप से ना जुड़ा हुआ हो, ये बच्चे के विकास में लाभ होने की इसके कारण सबसे कम संभावना यहाँ पर होगी। चलिए अगला क्वेश्चन है, जब बच्चा कार्य करते हुए उबने लगता है तो इस बात का संकेत है कि संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है, बच्चा बुद्धिमान नहीं है, थर्ड बच्चे में सीखने की योग्यता नहीं है या फोर्थ बच्चे को अनुशासित करने की आवश्यकता या जरूरत है। तो यहाँ पर बच्चा कार्य करते हुए बार बार उबने लगता है तो निश्चित ही संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है, ऑप्शन फर्स्ट होगा यहाँ पर उत्तर। अगला है, कोलबर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है, सहयोग की नैतिकता, नैतिक तर्कणा या नैतिक यथार्थवाद या फोर्थ नैतिक दुविधा। तो यहाँ पर इसे हम कहेंगे नैतिक तर्कणा, ऑप्शन सेकंड होगा यहाँ पर उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन है, कोलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है, कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए इस पर कठोर निर्देश देकर, सेकंड है धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर, थर्ड है व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर और फोर्थ है नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। तो ऑप्शन फोर्थ होगा यहाँ पर उत्तर, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके, ऑप्शन फोर्थ होगा हमारा उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन है, कक्षा कक्षा में शिक्षक व विद्यार्थियों के मध्य संप्रेषण होना चाहिए, पाठ्यपुस्तक केंद्रित, विद्यार्थी केंद्रित, शिक्षक केंद्रित या फिर उद्देश्य केंद्रित। तो यहाँ पर ये होना चाहिए शिक्षक और विद्यार्थियों के मध्य संप्रेषण जो है ये उद्देश्य केंद्रित होना चाहिए, ऑप्शन फोर्थ होगा यह हमारा उत्तर। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है आजीविका कमाना, बालक का सर्वांगीण विकास करना या पढ़ना एवं लिखना सीखना फॉर द बौद्धिक विकास। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि शिक्षा का जो अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है वो है बालक का सर्वांगीण विकास, ऑप्शन सेकेंड होगा यहाँ हमारा उत्तर। प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक को निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए, पढ़ाने की उत्सुकता, सेकंड है धैर्य और दृढ़ता, थर्ड है शिक्षण पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता और फोर्थ है अति मानक भाषा में पढ़ाने में दक्षता। देखिए बच्चे छोटे होते हैं प्राथमिक स्तर पर, तो वहाँ पर शिक्षक को सबसे महत्वपूर्ण विशेषता धैर्य और दृढ़ता को मानना चाहिए, क्योंकि बच्चे इतनी जल्दी नहीं सीखते हैं प्राथमिक स्तर पर, तो वहाँ पर शिक्षक को धैर्य रखना चाहिए और अपने कार्य में दृढ़ता बनाए रखना चाहिए, ऑप्शन सेकंड होगा हमारा उत्तर। अगला क्वेश्चन है, उपयुक्तता का अर्थ है एक उच्च प्रवीणता वाले एक व्यक्ति की पहचान, सेकंड है एक उचित विशिष्ट कुशलता, थर्ड है न्यूनतम प्रशिक्षण, फोर्थ है ये सभी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि उपयुक्तता मतलब एक उचित विशिष्ट कुशलता होगा यहाँ पर इसका अर्थ। अगला क्वेश्चन है, यदि छात्र कक्षा में हिस्सा लेने में बहुत शर्मिला है तो आप उससे प्रश्न नहीं पूछेंगे, उससे केवल वे प्रश्न पूछेंगे जिसका वह उत्तर दे सकता है, या थर्ड है उससे वे प्रश्न नहीं पूछेंगे जिसका उत्तर उसके वश का नहीं है और जिसके चलते वह कक्षा में हंसी का पात्र बन सकता है, फोर्थ है उससे केवल तब प्रश्न पूछेंगे जब वह उत्तर देने को उत्सुक होता है। तो निश्चित ही यहाँ पर हम उससे ऐसे प्रश्न नहीं पूछेंगे जिनका उत्तर उसके वश में नहीं है और वो जिसके चलते वो कक्षा में हंसी का पात्र बने, ऑप्शन थर्ड होगा हमारा उत्तर। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तित्व विभिन्नता के मिलन के संबंध में एक अध्यापक की भूमिका होना चाहिए, व्यक्तित्व के दृष्टिकोण, अभिरुचि और योग्यता को जानने का प्रयास, सेकंड है व्यक्ति आधारित पाठ्यक्रम को उनकी आवश्यकता के अनुसार समझाने की कोशिश, थर्ड है उपयुक्त दोनों और फोर्थ है उपयुक्तों में से कोई नहीं। तो यहाँ पर अध्यापक की भूमिका उपयुक्त दोनों प्रकार की होना चाहिए, ऑप्शन थर्ड हो जाएगा यहाँ इसका उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन है, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है, सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है या कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं या कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं,
तो बाल मनोविज्ञान के आधार पर सर्वोत्तम कथन होगा, प्रत्येक बच्चा अपने आप में विशिष्ट होता है। ऑप्शन सेकेंड होगा यहाँ पर उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन है, अधिगम का कौन सा सिद्धांत प्रेक्षित जाता है जब बच्चा किसी परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करता है क्योंकि उसे एक नए फोन का वादा किया गया था। नकारात्मक पुनर्बलन, नकारात्मक दंड या सकारात्मक दंड या सकारात्मक पुनर्बलन। तो यहाँ पर ऑप्शन फोर्थ होगा सकारात्मक पुनर्बलन, क्योंकि जब बच्चा किसी परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करेगा तो उसे निश्चित एक नया फोन का वादा किया गया है। तो यहाँ पर होगा सकारात्मक पुनर्बलन। अगला क्वेश्चन है, अनुवंशिकता की इकाई क्या है? युग्मनज, जीन, निषेचित कोशिका, फोर्थ है क्रोमोसोम। तो अनुवंशिकता की जो इकाई होगी वो होगा यहाँ पर हमारा उत्तर ऑप्शन सेकेंड जीन। एक बच्चा अपने काम करता है क्योंकि अगर वह करता है तो उसे चॉकलेट से पुरस्कृत किया जाएगा। चॉकलेट का वर्णन करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? क्रियाप्रसूत, अनुबंधक, दुष्कर उद्दीपक या प्रबलक। फोर्थ है यहाँ पर तटस्थ उद्दीपक। तो यहाँ पर चॉकलेट का वर्णन करने के लिए हम प्रबलक का उपयोग करेंगे। ऑप्शन थर्ड होगा यहाँ पर उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रयत्न एवं त्रुटि विधि इनके द्वारा प्रतिपादित की गई थी? थानेडाइक, कोहलर, पियाजे या पावलोव। तो यहाँ पर प्रयत्न और त्रुटि, जिसे हम भूल और प्रयास का सिद्धांत भी कहते हैं, तो ये थानेडाइक ऑप्शन फर्स्ट होगा हमारा उत्तर। अगला क्वेश्चन है, एक छात्र जो अंक अर्जित करने के लिए कार्य पूरा करता है वह इसे प्रेरित होता है। आवश्यकताओं को जानना आंतरिक कारक, बाहरी कारक या फिर महारक लक्ष्य। तो इसे जानेंगे बाहरी कारक के रूप में, ऑप्शन थर्ड। अगला क्वेश्चन है हमारा, तीन वर्ष तक बच्चा बोलने में सक्षम होता है। फर्स्ट ऑप्शन है अक्षर, सेकंड है व्याकरणिक रूप से पूर्ण शब्द, थर्ड है शब्द और फोर्थ है कार्यात्मक रूप से पूर्ण शब्द। तो यहाँ पर तीन वर्ष तक बच्चा जो है वो बोलने में सक्षम होता है कार्यात्मक रूप से पूर्ण शब्द, ऑप्शन फोर्थ होगा उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नियमों का एक सेट जो हमें अर्थ निकालने में मदद करता है निम्न के रूप में जाना जाता है, वाक्य, फोनेम्स, शब्द या फोर्थ है सिमेंटिक। तो यहाँ पर उत्तर बनेगा ऑप्शन फोर्थ, सिमेंटिक। अगला क्वेश्चन है, निशा एक 8 वर्षीय लड़की है जो आत्मविश्वास से अंक गणितीय कार्य करती है जिसमें एक संख्या से शून्य को जोड़ना या घटाना शामिल है। पियाजे के अनुसार कौन सी संज्ञानात्मक क्षमता निशा को अवधारणा समझने में सक्षम बनाती है? विकेंद्रण, संरक्षण, थर्ड है तार्किकता, फोर्थ है वी प्रयता। तो निश्चित ही यहाँ पर ऑप्शन थर्ड तार्किकता या लॉजिकल रीजनिंग, ऑप्शन थर्ड होगा यहाँ पर उत्तर। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप हमारे साथ में समय तक बने रहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मिलते हैं जल्द ही एक और नए किसी वीडियो के साथ।